नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। अनुष्का शर्मा व विराट कोहली ने कोविड 19 राहत कार्यों के लिए शुरू किए गए अपने फंड रेजर कैंपेन में 3,60,00,000 रुपए जमा होने पर आभार जताया है। विराट ने कहा, 24 घंटे से भी कम समय में 3,60,00,000 रुपए, प्रतिक्रिया से अभिभूत हूँ, शुक्रिया। वहीं अनुष्का ने कहा, दान करने वाले लोगों की आभारी हूँ, हमने आधा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में हार्ड क्वारंटीन के दौरान केकेआर के दो और खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर और बल्लेबाज टिम सैफोर्ट और भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा कोविड 19 से संक्रमित हो गए हैं। प्रस्थान से पहले सैफोर्ट की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनमें मॉडरेट सिम्टम्स हैं। इससे पहले टूर्नामेंट के दौरान वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर की कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सरकार ने कोविड 19 से उभरे लोगों के लिए 5 स्टेप्स का सैंपल डाइट प्लान शेयर किया है। सरकार ने कहा कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और लोगों को कोविड 19 की थकान से उभरने में मदद मिलेगी। डाइट प्लान के मुताबिक दिन की शुरुआत भीगे हुए बादाम या मुनक्का से करनी चाहिए। नाश्ते में रागी डोसा या दलिया और डिनर में खिचड़ी खानी चाहिए। देश में कोविड 19 से पहली बार 24 घंटों के भीतर कुल 4,187 मौतें होने के बीच एक राज्य मिजोरम वे दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नगर हवेली व दमन दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक भी मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार के अनुसार 4,187 में से 77.29% कोविड 19 मौतें महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में हुई। भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जिरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने ट्वीट किया कि कंपनी ने शाम 6 बजे के बाद और छुट्टियों पर कार्य संबंधित कोई चैट नहीं करने का फैसला किया है। बकौल कामत, कोविड 19 महामारी के बीच घर से काम कर रहे कर्मचारियों को दिमागी व शारीरिक थकान घटाने में मदद करने के लिए ऐसा किया गया है। कोविड 19 महामारी में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना के बीच दिल्ली में राजपथ पर निर्माण कार्य की तस्वीर वायरल हो गई है। कांग्रेस ने तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया, आप हमारे शहीदों के स्मारक पर धोखे की विरासत खड़ी कर रहे हैं। आपके विशाल अहंकार को हम अपनी विरोध की ताकत के आगर झुका कर रहेंगे। #विनाशकविस्ता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हिजाब के बिना तस्वीरें खिंचाने के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा अगवा की गई 20 वर्षीय मॉडल का जबरन वर्जिनिटी टेस्ट कराया जा सकता है। बतौर एमनेस्टी, जबरन वर्जिनिटी टेस्ट कराना यौन हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यातना है। यमन के एक मंत्री ने घटना के बाद हूती विद्रोहियों को आतंकवादी कहा था। अभिनेता सोनू सूद ने अपनी टीम द्वारा नागपुर से एयरलिफ्ट कर हैदराबाद के अस्पताल में पहुंचाई गई एक कोविड 19 संक्रमित मरीज के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, नागपुर की युवा लड़की जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया था, शुक्रवार रात उनका निधन हो गया। पिछले महीने आप एक शेरनी की तरह लड़ी, आपसे कभी मिला नहीं लेकिन मेरे दिल में आपकी खास जगह होगी। कोविड 19 की दूसरी लहर के बीच अपने फार्म हाउस में समय बिता रही अभिनेत्री शबाना आजमी ने महामारी को लेकर कहा है, हर दिन हम अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को खो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, एक के निधन का शोक मनाने से पहले एक और चला जाता है। मैं दुख और अविश्वास से सुन्न पड़ गई हूँ। कोविड 19 की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के बाद अभिनेत्री रवीना टंडन ने राजधानी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे हैं। तस्वीरें शेयर कर उन्होंने लिखा, टीम दिल्ली जा रही है, समंदर में एक बूंद जैसा है लेकिन उम्मीद है कि इससे कुछ लोगों की मदद होगी। गौरतलब है, दिल्ली में कोविड 19 के 91,035 सक्रिय केस हैं। केंद्र के कोविड 19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल कोविन पर लगातार आ रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्य में टीकाकरण के लिए अलग ऐप बनाने की अनुमति मांगी है। वहीं गलत सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायतों के बाद शुक्रवार को कोविन पोर्टल में 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड फीचर शुरू किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड 19 वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए शनिवार को ट्वीट किया, जनता के प्राण जाएं पर प्रधानमंत्री की टैक्स वसूली ना जाए। दरअसल केंद्र कोविड 19 टीकों पर राज्यों से 5% जीएसटी ले रही है। वहीं शुक्रवार को राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड 19 से निपटने के सुझाव दिए। हरियाणा की 11 जेलों में कोरोना वायरस से संक्रमित मिले 450 कैदियों को रेवाड़ी जेल में कोविड 19 पॉजिटिव कैदियों के लिए समर्पित विशेष भाग में स्थानांतरित किया गया है। जेल के विशेष खंड के सहायक अधीक्षक बीएस यादव ने बताया कि यहां कैदियों की जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम, चिकित्सा
अधिकारी, नर्स व अन्य कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी लोगों को अगले 3 महीनों में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र सरकार से करीब 2,60,00,000 डोज की मांग की है। केजरीवाल ने बताया कि वर्तमान में करीब 100 केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार टीकाकरण केंद्रों की संख्या 250 से 300 तक बढ़ाएगी। एनडीएमसी के मेयर जयप्रकाश के मुताबिक हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कम से कम 23 कोविड-19 मरीज 19 अप्रैल से 6 मई के बीच बिना किसी को बताए अस्पताल छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, मरीज बिना बताए अस्पताल छोड़ जाते हैं क्योंकि हो सकता है उन्हें कहीं और बेहतर सुविधाएं मिल रही हों। ऐसा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी हो रहा है। विमान बैनर्जी को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। दरअसल 72 वर्षीय बैनर्जी का चुनाव निर्विरोध तरीके से हुआ, जबकि टीएमसी ने पहले से ही उन्हें अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं थमने तक विधानसभा सत्र का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी बदली है, जिसके मुताबिक अब कोविड-19 फैसिलिटीज अस्पतालों में दाखिले के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। बतौर मंत्रालय, संभावित मरीज को भर्ती किया जाएगा, किसी भी कीमत पर मरीज को सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें मरीज के दूसरे शहर से होने के बावजूद उसे ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं देना शामिल है। महाराष्ट्र सीएमओ के मुताबिक कोविड-19 की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और दूसरी लहर का मुकाबला करते हुए महाराष्ट्र के प्रयासों की सराहना भी की। ठाकरे ने बातचीत के दौरान कहा, पीएम मोदी और केंद्र सरकार महामारी के खिलाफ लड़ाई में शुरुआत से महाराष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है। भारतीय दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए DRDO द्वारा विकसित दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोस अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेजी से रिकवरी करने में मदद करता है और ऑक्सीजन निर्भरता को कम करता है। द लेसन में छपे एक संपादकीय में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का इरादा कोविड-19 महामारी को काबू करने की कोशिश करने के बजाय ट्विटर पर आलोचनाएं हटाने का ज्यादा लगता है। इसमें लिखा है कि संकट के दौरान आलोचना और खुली चर्चा को दबाने के प्रयासों के लिए पीएम मोदी की कार्यवाही अक्षम्य है। पीटीआई के अनुसार व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए तय की गई 15 मई की समय सीमा खत्म कर दी है। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा कि पॉलिसी अपडेट स्वीकार न करने पर किसी का अकाउंट 15 मई को डिलीट नहीं होगा। बतौर प्रवक्ता, अधिकतर यूजर्स ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसी तरह की अन्य तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।